देखो आप सब बच्चे देखो जरा, ये आपके पास चैप्टर्स हैं जो आपके टॉपिक्स 10th में डिलीट हुए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सीबीएसई की तरफ से आया हुआ डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है, 9th और 10th में मैथमेटिक्स पोर्शन जो डिलीट हुआ है। तो ये क्लास 10th का है हमारे पास, यूनिट वन नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स में से यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव कर दिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा इज जस्ट फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। पॉलिनोमियल्स में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, ये डिलीटेड है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन, रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाइक मैंने आपको बताया था, जिनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं वो वाली प्रॉब्लम्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में से सम ऑफ एन टर्म्स की जो एप्लीकेशन है जो हमने नहीं करी। कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड एक्सरसाइज रिमूव हो गई है। यूनिट फोर्थ ज्योमेट्री ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली हो गई है। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड द ट्राइंगल इज, तो ये पाइथागोरस का कन्वर्स है। तो ये दो थ्योरम्स, लेकिन इसी पे जो हमारी पास फर्स्ट थ्योरम है इसी पे हमारी एक्सरसाइज 6.4 है और इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आएंगे, सर्किल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सिंपल वन एक्सरसाइज है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, ये सारा खत्म हो गया है, टेंजेंट बचा है। बहुत कुछ आपका कम हो गया, 25-30% में कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारा हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन हमारे रिमूव कर दिए। मेंसुरेशंस में हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो 0, 30, 60, 90 वाले रह गए, 120 वाले खत्म हो गए, आपके लिए आसान रहेगा जब हम इसको करेंगे। एंड फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये आपका रिमूव कर दिया लास्ट एक्सरसाइज। स्टेटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, लास्ट जो हम करते थे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि पूरा हो जाए आपका खत्म कर दिया, प्रोबेबिलिटी रह गया। तो ये आपके टॉपिक्स हैं बेटे जो इन्होंने किए हैं। अब मैं इसके बेस पे एक चीज और आपको दिखाऊं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उन लोगों ने ये बनाया है। एक्चुअली सारे जो टीचर्स हैं वो कंफ्यूज हैं अभी भी, आपके स्कूल्स में भी शायद ये डिस्कशन हुआ हो, लेकिन वो भी कंफ्यूज होंगे कि टॉपिक तो दे दिया बट क्वेश्चंस नहीं पता है। ऐसा कुछ है ना आप लोगों के स्कूल में भी? यस सर। क्लियर नहीं है कोई भी, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उन सब ने मिलके आपस में, कई सारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं और जो पेपर सेटर्स भी हैं, उन लोगों ने कुछ ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे हैं, ठीक है, कि भाई अगर हम क्वेश्चन वाइज जाएं। लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ, सबका सजेशन यही है जब तक कि एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से क्लियरेंस नहीं हो जाए, स्पेशली मेरी तरफ से तो ये है बेटे कि हम सारे टॉपिक्स करेंगे क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैथ्स में, इवन आप आगे साइंस में यूज़ करेंगे, यूज करते हैं और उनकी बहुत ज्यादा मतलब यूजेबिलिटी है, बट वो सिलेबस में ही नहीं रहे। रेशो प्रोपोर्शंस उड़ा दिया गया है, लॉगरिथम उड़ा दिया गया है पूरा का पूरा सिलेबस में से, और हम उन्हें आगे यूज करेंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए। रेशनल एक्सप्रेशन एक टर्म होता था वो खत्म कर दिया गया है,
बट उनकी जरूरत होती है, तो अच्छा है जितनी नॉलेज ले सकें। तो हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम होगा तो हम ये चीजें करें, लेकिन फिलहाल मैं ये बता दूं, जैसे हमने ये लिखा है रियल नंबर्स में से एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमारी पूरी गायब हो गई है। इसी तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल में से जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इवन क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी डिवीजन बेस्ड ही हैं। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपके रिमूव कर दिए, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा ऐसे ही पूरे के पूरा पेज, या मैंने पहले दिया भी होगा शायद, तो इसे बस देख लीजिए या मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है उस पर सॉल्यूशन नहीं आएगा। ध्यान रखिए जो मेथड्स हैं ना ये तीनों, लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ तब होती है, इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ तब होती है बेटे जब आपसे मेंशन करेगा कि सॉल्व बाय दीज दिस मेथड, अदरवाइज इसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जब इक्वेशन दे दे आपसे कह दे सॉल्व, तो आपकी मर्जी है किसी से भी करें। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कोई सा ज्यादा बड़ा रोल था भी नहीं। क्वाड इक्वेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, सम्स बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल फॉर्म्स, ये हमारे पास रिमूव कर दिए। आर्थमेटिक प्रोग्रेस में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से 20, एग्जाम्पल 17, एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये सम ऑफ एन टर्म्स पे था बेस, खत्म हो गया है। ट्राइंगल में प्रूफ ऑफ थियोरम 6.6 एंड 6.9, मोस्ट प्रोबली 6.6 हमें अभी करना था, मैं उसे बताऊंगा जरूर, तो ये हमारे पास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एग्जांपल 11 to 15, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हो गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो डेरिवेशन था 0 से 90 डिग्री, ज्योमेट्रिकल प्रूफ जिसे हम कहते हैं, वो खत्म हो गया है, और एक्सरसाइज 8.3 कम्प्लीटली रिमूव हो गई है। एग्जाम्पल 9, 10, 11 इसी एक्सरसाइज के हैं, वो रिमूव हो गए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सर्किल में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन में से जैसे मैंने आपसे कहा 11.1 क्वेश्चन नंबर 227, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में दो तीन पार्ट हैं, लाइंस को डिवाइड करना, सिमिलर ट्राइंगल बनाना और टेंजेंट ड्रॉ करना। तो लाइंस को डिविजन तो अभी भी है, बट कंस्ट्रक्शन जो है वो सिमिलर ट्राइंगल का हटा दिया है। 227 फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज कम्प्लीट है। एग्जाम्पल 1, 2 इसी से है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एग्जाम्पल 3 जिसमें 120 डिग्री एंगल है, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम जो हमारा चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल 12, 13, 14 फ्रस्टम से रिलेटेड हो वो हमसे मना कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4, 13.5 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो पूरी फ्रस्टम वाली एक्सरसाइज रिमूव कर दी। स्टेटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड और पूरा ओजाइव एक्सरसाइज 4.4 कम्प्लीटली डिलीटेड, प्रोबेबिलिटी नो डिलीशन। कुछ क्लियर हुई सब चीजें? यस सर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, तो जो हमारा सिलेबस रिमूव हुआ है, बट हम कोशिश तो ये करेंगे इंशाल्लाह कि हमें सब आता हो, और हम मार्क्स के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमें नॉलेज दो जितना ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप 11th स्टार्ट कर दो, तो ये चीज ऐसा कोई मुश्किल नहीं है।